हॉकी में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में जीत का परचम लहरा कर आई है। इस दौरान आखिरी वनडे मैच में शार्दुल ठाकुर ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया था। सेंचुरियन में खेले गए पांचवें और आखिरी वनडे में शार्दुल ने 8.5 ओवर में 52 रन देकर 4 अहम विकेट झटके और भारत को आसमानी जीत दिलाई। मगर क्या आपको पता है, निजी जिंदगी में शार्दुल ठाकुर जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हाल ही में उन्हें लोकल ट्रेन में सफर करते देखा गया। दरअसल दक्षिणी अफ्रीका दौरे से लौटी टीम के साथ शार्दुल भी फ्लाइट से मुंबई उतरे और एयरपोर्ट से सीधे लोकल ट्रेन पकड़कर अपने होम टाउन पालघर पहुंचे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ट्रेन में किसी ने शार्दुल ठाकुर को पहचाना तक नहीं। किसी को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि ये शार्दुल ठाकुर है। शार्दुल ने खुद इस बात का खुलासा किया है। शार्दुल के मुताबिक जब वो यात्रियों के बीच थे तब उन्हें किसी ने नहीं पहचाना। शार्दुल के मुताबिक जब वो ट्रेन में बैठे थे तो आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे। वो सोचने लगे कि क्या मैं सच में शार्दुल हूँ। फिर कुछ बच्चों ने गूगल पर मेरी तस्वीरें सर्च की और इसके बाद सबको पता चल गया कि मैं शार्दुल ही हूँ। इस दौरान बच्चों और कुछ यात्रियों ने मेरे साथ सेल्फी भी ली। शार्दुल के मुताबिक भले ही अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मगर मैं अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूलूंगा, जब इन्हीं ट्रेन्स के धक्के खाकर मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।